पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है। कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किए वादे को न केवल पूरा किया बल्कि अखंड भारत के निर्माण की नींव रख दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने देश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कदमों पर चलते हुए गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक गलती की थी इस निर्णय के द्वारा उस गलती को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए के कारण कश्मीर देश के साथ नहीं मिल पाता था मगर अब पूरा भारत एक हुआ है, भारत की अखंडता एक हुई है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 की तरह आज 5 अगस्त 2019 का यह दिवस भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का जो निर्णय लेकर सरकार ने राज्यसभा में बिल लाया है, रेजोल्यूशन लाया है, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस ऐतिहासिक काम के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। 370 धारा जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती नहीं थी, भिन्न करती थी, अलग करती थी। आज इस निर्णय के बाद सारा भारत एक हो गया। वर्षों से जो मांग देशभक्त लोग कर रहे थे, जिसके लिए हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, आज उनकी वो मांग भी पूरी हुई। बहुत बहुत साधुवाद, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम में वक्त चलाए, छोटे से ब्रेक का ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।